पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार इतना अधिक क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में ही जो फैसला किया है, उस फैसले में नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए में आए हैं और इससे पहले बिहार से कई दल एनडीए में शामिल थे। ये कहा जा रहा था कि जब ये दल शामिल है तो नीतीश कुमार को लेने का क्या फ़ायदा, क्या नीतीश कुमार के लेने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक या फिर जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में कोई परिवर्तन होगा। कहा तो यही जा रहा था कि नीतीश कुमार के आने से सर्वे में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक जगह भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताने में, दर्शाने में इस देश की जनता को कि आई एन डी आई ए गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और इसमें कोई विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपस में ही इनके संबंध अच्छे नहीं है, ये मैसेज देना चाहती थी और इस मैसेज देने में कामयाब भी हुई। लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संयुक्त अभियान है जिसमें नीतीश कुमार को लाया गया है, उससे एनडीए के भीतर खलबली मची हुई है। नीतीश ने सारा खेल कहीं ना कहीं एक बार फिर से उल्टा पड़ा दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के आने के बाद कहा यह जा रहा था किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने दांव से भारतीय जनता पार्टी को नील डाउन करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों को मानने के लिए मजबूर दिखाई दे रही है। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हुआ है, तो वहीं नई सरकार बनी है तो सरकार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हो पाया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार और सरकार दोनों को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति है। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सरकार पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि जीतन राम मांझी से लेकर के अन्य कई जो हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये संशय बना हुआ है कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी कुछ असर पड़ जाएगा और जनता दल यूनाइटेड बिखर जाएगा, क्योंकि विधायकों ने बगावत तो पहले ही कर दी थी, अब भीतर ही भीतर एक बार फिर से तैयारी शुरू हो रही है और इतना सहज सरकार से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव हैं, इसको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुमत साबित करने के समय जो कुछ भी ड्रामा हुआ था वो आपने देखा था, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरह से विधायकों को कब्जा किया जाता है, किस तरह से उन्हें एक साथ रखा जाता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो दावा किया जा रहा था जनता दल यूनाइटेड के कई दिग्गज नेताओं का कि वो कई दलों के लोग संपर्क में हैं, उनको अपने साथ ले आएंगे, इस पर भी पूर्ण विराम लग गया है क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको लेकर के संशय की स्थिति बनाई जा रही थी। प्रचार किया जा रहा था कि ये सब जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है, उनमें से करीब 12-13 विधायकों को कहा जा रहा था कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि आरजेडी के तरफ से 3 विधायकों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से असफल रहे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के आने से काफ़ी कुछ असर पड़ा है। असर तो यहाँ तक पड़ा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि नीतीश कुमार के साथ जो समझौता होगा वो समझौता उन्हें मान्य नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रभावित किया करते थे, लेकिन इस बार इन तीनों की जो जोड़ी है, तिकड़ी है, वो काफ़ी प्रभावशाली नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनसे कैसे निपटती है, लेकिन जिस बात का डर था वो बात सामने नजर आने लगा है। नीतीश के आने से एनडीए में सब गुड़ गोबर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो एनडीए की पहले से रणनीतियां थी, उस रणनीति पर काफ़ी कुछ असर पड़ा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जो लगातार संशय की स्थिति बना हुआ है, कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो सुलह है वो होने होते होते रह गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के आने से एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस टाइट हो गए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो समझौते हुए थे उसमें असर न पड़ जाए, इसको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन तीनों को एक बड़ा ऑफर
जो नीतीश कुमार को के बाहर होने से INDIA गठबंधन में जगह खाली हुआ है उसमें एडजस्ट करने के लिए पूरी तरह से इनको ऑफर दिया जा रहा है। ये भी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के इधर आने से अगर ये NDA से बाहर हुए तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सारा किया धरा पानी हो जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार के आने से कहीं ना कहीं NDA में जब तक सीट शेयरिंग का समझौता खुल करके सामने नहीं आ जाता है तब तक संशय की स्थिति बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी काफ़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। नीतीश के आने से सारा समीकरण अभी गड़बड़ाया हुआ है, क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार कम चाल नहीं चलते हैं और उन्हीं के चाल में फंसा हुआ है पूरा का पूरा NDA। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।